खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से है, जहां जिले की पुलिस ने नामी कंपनियों के नाम से फर्जी उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के महुआ बुजुर्ग गांव में फर्जी तरीके से टॉयलेट क्लीनर बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही बिशुनपुरा पुलिस ने तुर्कपट्टी पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अंतर्जन फर्जी फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए नकदी समेत 500 गत्ता टॉयलेट क्लीनर, फिलिंग मशीन, सीलिंग मशीन, भारी संख्या में नकली टॉयलेट क्लीनर बरामद किया। पुलिस अधीक्षक श्री धवल जयसवाल सर के निर्देशन में पूरे कुशीनगर पुलिस द्वारा अवैध अपराधों एवं गतिविधियों को चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में थाना बिशुनपुरा, थाना तुर्कपट्टी व साइबर थाने की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इस पुलिस टीम द्वारा फर्जी घरेलू सामान जिसमें हार्पिक एवं डॉल्फिन के सामान इन्वॉल्व हैं बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग विभिन्न रॉ मटेरियल अलग जगह इकट्ठा करके फर्जी हार्पिक के पैकेटों में फर्जी स्टैंप लगा के, फर्जी उनके स्टिकर लगा के यह सामान आसपास के जनपद में बेचा करते थे। उसका जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सरगना रविचंद्र गुप्ता है एवं उसके 2 साथी साजन सैनी एवं पारस गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियोग थाना बिशुनपुरा में पंजीकृत किया गया है 420-66-66-68-71-120 और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इनके पास से 2 लाख कैश, 500 हार्पिक क्लीनर, 25 ml के डिब्बे, 200 ml के डिब्बे, 1 मैजिक वाहन जिसके थ्रू ये अपना सामान बेचा करते थे, मिक्स करने की एक मशीन, पैकिंग की मशीन, वेट करने वाली मशीन, मोबाइल फ़ोन, कूट रचित फर्जी प्रपत्र, कूट रचित मोहरें, लिक्विड थिनर, लिक्विड मिक्स करने की मशीन एवं अन्य सामान पकड़ा गया है। ये इनकी पूरी फैक्ट्री चलाते थे और इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था।